हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल वेल, ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिटेल शॉप स्पेस एरिया वाइज। कल आपने देखा होगा, हमने बात करी थी ऑफिस स्पेस के बारे में, आज हम बात करेंगे रिटेल स्पेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ और गुड़गांव की एक्सपर्टाइज है मेरे पास, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी। हम लोग के पास एक फुल फ्रेश टीम है जो कि प्रॉपर तरीके से कमर्शियल, रेजिडेंशियल, लीजिंग तीनों काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट हो या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप प्लीज़ मुझसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये गुड़गांव की अलग अलग लोकेशंस हैं जो आप देख सकते हैं। टोटल 26 लोकेशंस हैं जिसके बारे में हमने लिखा है। यहाँ पर हमने रेट दिया है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो है उसका एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट। और कोई अगर प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी लीज्ड आउट है, उसको अगर आप सेल कर रहे हैं, तो उसका उस एरिया के अंदर एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट। अब यहाँ पर है एवरेज रेंट पर स्क्वायर फीट और ये है आरओआई। जैसे हम देखते हैं सोना रोड के अंदर, आज अगर हम कोई नया कमर्शियल लेने जाते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि शॉप्स वगैरह, तो इसका एवरेज प्राइस है 13,300 रुपये। इसका अगर ये शॉप अगर ऑलरेडी तैयार है और रेंट पर चढ़ी हुई है, तो इसका एवरेज प्राइस 18,925 रुपये है। मोटा मोटी मान लेते हैं 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। यहाँ का एवरेज रेंट पर स्क्वायर फीट है 126 रुपये। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारी आरओआई आती है 8% की। इसी टाइप से गोल्फ कोर्स रोड के अंदर एवरेज आरओआई है 7.2%। सेक्टर 49 के अंदर एवरेज आरओआई है 4.5%। सेक्टर 28 में 10%। सेक्टर 43 11%। सेक्टर 67 7%। सेक्टर 50 8.5%। सेक्टर 66 8%। सुशांत लोक 1 6%। सेक्टर 47 8.7%। सेक्टर 51 7%। साउथ सिटी 2 8%। पालम विहार 7.5%। सेक्टर 56 2.9%। एमजी रोड 7%। सोना रोड 7%। सेक्टर 69 7%। मालिबू टाउन 7%। SL1 सी ब्लॉक 10%। सेक्टर 40 7%। निर्वाणा कंट्री 7%। न्यू कॉलोनी 8%। सेक्टर 83 10%। सेक्टर 65 7%। सेक्टर 48 11%। और सेक्टर 23 4.9%। दोस्तों, मैंने ये जो डिटेल दिए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज मेरे पास ओनर्स ने जो लिस्ट करी हुई है, उसके बेसिस के ऊपर एवरेज आउट करके निकाला है। आप अगर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये जस्ट एक इंडिकेटर्स है, ये कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब आप मान सकते हैं कि इसके आसपास कहीं प्राइस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी कॉल की वेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है या आपके पास कोई अगर प्रॉपर्टी है, आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड लक।